हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर पंडित। मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा और आज हम रिव्यू करने आए हैं दी अल्टीमेट एसयूवी। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, दी ओल न्यू हुंडई क्रेटा 2020 BS6। और आज हम आए हैं डीएम हुंडई के शोरूम के अंदर जो कि सेक्टर 14 में स्टैब्लिश है और यहाँ पर आके कोई भी आप हुंडई की गाड़ी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हुंडई क्रेटा की कुंडली खोलना। और इसी के साथ साथ जो हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो सब्सक्राइब करें। तो अब हम शुरू करते हैं हुंडई क्रेटा की फ्रंट प्रोफाइल के साथ में। और यहाँ पर हुंडई क्रेटा की फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे को मिलते हैं ट्रायो LED DRS विद ट्रायो LED हेडलैम्प्स के साथ में जो इसे बेटर लुक देते हैं। और यहाँ पर अपनी सिग्नेचर ग्रिल के साथ, कैस्केडिंग ग्रिल के साथ जो SX मॉडल के अंदर ब्लैक फिनिश के साथ आती है और ग्रिल के आउटर साइड पर आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलेगा। या नीचे की तरफ आपको ब्लैक स्किड प्लेट मिल जाएगी जो कि अदर्स मॉडल में ग्रे स्किड प्लेट आती है और ये एक स्पोर्टी लुक देती है इस गाड़ी को। और यहाँ नीचे की तरफ मिलेंगे हेलोजन फॉग लैंप्स विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स और इसे थोड़ा बेटर बनाया जा सकता था LED फॉग लैंप देकर। हुंडई क्रेटा के अंदर मेनली 5 मॉडल्स आते हैं, EX, S, SX और SX ऑप्शनल। और आज हम जिस मॉडल का रिव्यू कर रहे हैं वो है SX मॉडल और ये है 1.4 लीटर टर्बो DCT 7 स्पीड इंजन के साथ में। और इसके अलावा इसमें 2 इंजन ऑप्शन और आते हैं, 1.5 लीटर U2CRDI डीजल इंजन एंड अदर वन इज 1.5 लीटर MPI पेट्रोल इंजन। और क्रेटा के बोनट को देखा जाए तो इसे एयर कटिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेटर बनाया गया है जिससे इसकी माइलेज बढ़ जाती है और इसी के साथ साथ ये इसे SUV लुक भी देता है। तो अब इसी के साथ आप हुंडई क्रेटा की साइड प्रोफाइल को देखेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ देखने को मिलेंगे आउटसाइड रियर व्यू मिरर जिन्हें ORVM भी कहते हैं और इसी के अंदर आपको मिलेंगे इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स। क्रेटा के ए पिलर पर पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है जो इसे अलग लुक दे देता है। और यहीं पर डोर के ऊपर दी गई है सिल्वर क्रोम स्ट्रिप। और यहीं पर आप आखिरी में देखेंगे क्रेटा के सी पिलर पर भी पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है। और एक SUV कार के अंदर सबसे ज्यादा मेन होते हैं उसके व्हील्स जो उसे एक SUV लुक देते हैं। और अगर इसके व्हील साइज की बात की जाए तो अलॉय मिल जाते हैं विद R17 रेडियस के साथ और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 190 mm का। और आप देखेंगे क्रेटा के अंदर फ्रंट पैनल से लेकर फुल बॉडी ब्लैक लाइटिंग मिल जाती है जो एक इसे SUV का लुक दे देते हैं। तो ये थे कुछ क्रेटा के आउटर लुक्स। और अब हम बात करेंगे क्रेटा के अंदर के लुक्स की, तो चलिए अब क्रेटा के अंदर की तरफ चलते हैं। और ये है क्रेटा की की फोब जिसे बहुत ज्यादा स्टाइलिश बनाया गया है विद ब्राउन एंड क्रोम कॉम्बिनेशन के साथ में। और इसी के अंदर आपको कंट्रोल मिल जाते हैं लॉक, अनलॉक एंड सायरन। क्रेटा के अंदर कीलेस एंट्री का ऑप्शन दिया गया है और जैसे ही आप क्रेटा का डोर ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपको क्रेटा के डोर के ऊपर ही मिल जाते हैं 4 पावर विंडो कंट्रोल विद एंटी पिंच ऑप्शन के साथ में। और इसी पर मिल जाता है हमारे को ORVM कंट्रोल। इसका जो इनसाइड डोर हैंडल दिया गया है वो दिया गया है ग्रे क्रोम फिनिश के साथ में। और इसी राइट साइड डोर के अंदर आपको मिल जाते हैं स्पीकर विद, यहाँ पर आप रख सकते हैं कोई भी अपनी बोतल। और हुंडई क्रेटा के अंदर ड्राइवर सीट 8-way एडजस्टेबल दी जाती है और इसको हम अपने हिसाब से ऊपर नीचे दाएं बाएं एडजस्ट कर सकते हैं। और जब आप हुंडई क्रेटा में नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको मिलेगा पेट्रोल टैंक ओपनर और थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको मिलेगा फ्रंट बोनट ओपनर। आप यहां पर देखेंगे कि जो इसके पैडल्स हैं इनको भी बहुत अच्छी तरह शिफ्ट किया गया है। इसमें यहाँ पर आपको एक्सेलरेटर पैडल मिल जाता है और ब्रेक पैडल मिल जाता है। और जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था ये ऑटोमेटिक गाड़ी है तो इसलिए यहाँ पर क्लच पैडल नहीं मिलता है। तो अब हमें हुंडई क्रेटा के अंदर की तरफ, और आप यहाँ पर देखेंगे जो इसका स्टेयरिंग दिया गया है वो डी कट स्टेयरिंग दिया गया है तो नीचे की तरफ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ना ही लैग आपका स्टेयरिंग के साथ टकराएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे एक अच्छा खासा सिटिंग कम्फर्ट है ड्राइवर के लिए। और इसके डी कट स्टेयरिंग के साथ साथ इसमें मिल जाता है हमारे को लेदर कवर विद रेड फिनिश जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे। और बीच में आपको मिल जाएगी हुंडई की बैचिंग
और यहाँ पर आप देखेंगे इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल मिल जाते हैं और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का कंट्रोल भी यहाँ पर मिल जाता है और आपने फोन को भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और आप यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे आपको यहाँ पर मिलता है वन टच क्रूज कंट्रोल, और यहाँ पर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो ये आपको पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे हुंडई क्रेटा को स्टार्ट करने के लिए पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है इंजन इग्निशन के लिए। और ये देखेंगे आप कुछ इस तरीके से आपके सामने इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, जिसके बीच में आप देखेंगे यहाँ पर आपको MID दी गई है, जिसके अंदर आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं लाइक टायर प्रेशर, या आपको मिल जाए यहाँ पर फ्यूल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, या आपका कोई डोर तो ओपन नहीं है, इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। RPM मीटर मिल जाता है और स्पीडोमीटर मिल जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम बात करें तो ये है इसका सेंटर कंसोल, और जो आप इसकी टच स्क्रीन देख रहे होंगे ये बहुत ही प्रीमियम लुक देती है जब आप गाड़ी में बैठ के देखेंगे। और इसी के साथ साथ आप इसके AC डक्ट्स की बात कर लें तो इसे एक प्रीमियम फिनिश दिया गया है और एक स्पोर्टी लुक देने के लिए यहाँ पर रेड कलर का यूज किया गया है, ब्लैक और रेड, और यहाँ पर आप देखेंगे बीच में क्रोम फिनिश है। ये आपको चारों डक्ट पे ऐसा ही मिलता है। कुछ इस तरीके का इसका डैशबोर्ड है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, और यहीं पर आप देखेंगे इसमें नीचे की तरफ ग्लव बॉक्स दिया गया है। इसकी ओपनिंग कुछ इस तरीके से है, इसमें आप अपना कोई भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे डैशबोर्ड को प्रीमियम बनाने के लिए इसके ऊपर लेदर फिनिश जैसी लुक देने का काम किया गया है, बट ये प्लास्टिक में ही दिया गया है। और आप यहाँ पर देखेंगे सेंटर में IRVM दिया गया है, इसके ऊपर SOS कंट्रोल दिया गया है, और आपको यहाँ पर ब्लू लिंक का कंट्रोल भी दिया गया है, और ये ऑटो IRVM है। आपको रात में जैसे आप ड्राइव करते हैं और पीछे से किसी गाड़ी की लाइट पड़ती है तो ये उसे आपकी आंखों पर पड़ने नहीं देता है, इसलिए इसे ऑटो डिमिनिशिंग IRVM कहा जाता है। और यहाँ आप सेंटर में देखेंगे तो पैनारोमिक सनरूफ दी गई है और उसकी ओपनिंग कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर उसके कंट्रोल दिए गए हैं। ये है कुछ इस तरह की आपकी सनरूफ ओपनिंग जो आपको एक बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक देती है। आपने देखा होगा कि खोलते वक्त भी कितना अच्छा लगा बंदे को, और इसी तरीके से यहां से बंद हो जाती है वन टच। और यहां पे वन टच लाइट कंट्रोल दिया गया है। और इसी के साथ साथ हुंडई क्रेटा के अदर फंक्शन की बात की जाए और जो एक मेन फंक्शन मुझे लगता है वो है इसका ब्लू लिंक फंक्शन। और आप इसके सेंट्रल कंसोल को देखेंगे तो इसके अंदर आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगा यहाँ पर AC डक्ट्स और बीच में इंफोटेनमेंट सिस्टम और उसके कंट्रोल, और यहाँ पर आपको AC मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। और इसी के साथ साथ यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और USB पोर्ट दिया गया है। और आप देखेंगे इसका गियर लीवर भी बहुत ज्यादा स्मार्ट बनाया गया है जो कि स्टैंप पार्किंग मोड पर है। और इसी के साथ साथ इसके गियर लीवर को स्टाइलिश बनाया गया है विद क्रोम फिनिश, और ये मेरे को एक कॉकपिट वाली फील देता है, पर्सनली मुझे ये लगता है। और इसी के बराबर में यहाँ पर को ड्राइवर और ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, और हैंड ब्रेक को स्टाइलिश बनाने के लिए यहाँ पर इसका वन टच बटन दिया गया है, और यहाँ पर ऑटो हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है, और ये आपको अपना रियर व्यू मिरर मिल जाता है। और आप यहाँ पर देखेंगे आपको आर्म रेस्ट मिल जाती है, और आर्म रेस्ट के अंदर आपको मिल जाता है छोटा मोटा सामान रखने के लिए स्पेस, और यहाँ पर आप अपनी कोई भी बोतल रख सकते हैं। और यहाँ पर इसी के साथ जैसा आपकी कैमरा स्क्रीन पर शो हो रहा होगा ये है ऑटो हेल्थी एयर प्योरीफायर। आप इसमें बिल्कुल ही हिंदी भाषा में कहा जाए तो स्वच्छ एयर ले सकते हैं, जिसमें कि हमारे ऑक्सीजन की मात्रा सब कुछ ठीक मिलेगी, और इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और जो इसकी फ्रंट सीट्स दी गई हैं वो भी वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं कि वो ड्राइवर सीट पर सनब्लाइंड मिलते हैं विद वैनिटी मिरर के साथ में, और ड्राइवर साइड में देखेंगे तो यहाँ पर वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है, मगर फिर भी ये बहुत सही है। और अब हम बात करेंगे हुंडई क्रेटा के रियर सीट्स की, तो चलिए देखते हैं। हुंडई क्रेटा के रियर सीट की कंफर्ट की बात की जाए
तो इसका कंफर्ट बहुत अच्छा है। और आप यहाँ पर देखेंगे हमारा प्रॉपर मैक रूम है, मैंने आगे वाली सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखा था। और यहाँ पर आप देखेंगे तीन बंदे आराम से आपके बैठ सकते हैं रियर सीट में, आप देख रहे होंगे। बीच में यहाँ पर आर्म रेस्ट मिल जाते हैं आपको हुंडई क्रेटा में रियर सीट्स के, रियर सीट्स पे। और आप यहाँ पर देखेंगे इसे कन्वीनियंट बनाने के लिए, इसे कन्वीनियंट बनाने के लिए यहाँ पर रीडिंग लाइट मोड दिया गया है। और इसी के साथ आप यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो रियर सीट कंफर्ट को और अच्छा बनाने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर एसी वेंट्स दिए गए हैं नीचे की तरफ, और यहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। और यहाँ पर आपको फोन रखने के लिए आपको एक अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाता है। और आपको धूप से बचाने के लिए यहाँ पर आपको सन ब्लाइंड्स भी दिए गए हैं। तो इस सन ब्लाइंड फीचर के साथ मुझे लगता है इसे प्रीमियम फील दिया गया है, जो भी बंदा पीछे बैठे हमें एक अच्छी और प्रीमियम लुक मिलेगी देखने के लिए। और यहाँ पर एक अच्छा व्यू दिखाने के लिए पैनारोमिक सनरूफ भी दी गई है ऊपर की तरफ, कि जब भी रियर साइड में जो भी बंदे बैठे उन्हें बैठने में और भी अच्छा लगे और एक प्रीमियम फील दे। तो हम मुंडे क्रेटा की रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आप रियर प्रोफाइल को देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बनाई गई है। आप इसकी लुक देख रहे होंगे कैमरे में, एक बार में ही देखने वाली, देख के पसंद आने वाली चीज है ये जाती, इसमें कोई भी ऐसी नहीं है कि बंदे को पसंद नहीं है, बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर की ओर स्पॉइलर मिला है, और स्पॉइलर के, स्पॉइलर को ज्यादा बेटर लुक देने के लिए यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश के ड्यूल टोन में स्पॉइलर दिया गया है। और आप इसके रियर साइड में देखेंगे यहाँ पर आपको डिफोगर मिल जाता है, इसी के साथ साथ मोशन मिल जाता है। आप इसकी रियर प्रोफाइल की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर पियानो ब्लैक स्ट्रिप के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगी रियर टेल लैंप। और इसके साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ट्रायो एलईडी टेल लैंप मिलती है, जो कि इसे बहुत ज़्यादा बेटर लुक दे देती है। और ये फ्यूल फंक्शन एलईडी है, और यहाँ पर आप देखेंगे इंडिकेटर्स के लिए जगह दी गई है। और नीचे की ओर आप देखेंगे बम्पर में तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, और इसी के साथ इसका जो बम्पर है वो ब्रेक के साथ आता है विद ड्यूल टिप नोज एग्जॉस्ट के साथ आता है। और आप यहाँ इसके ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में मिलता है लास्ट पिन एंटीना, और यहाँ पर ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाती है रूफ रेल, जो कि इसे एसयूवी लुक देती है। और आप इसकी रियर प्रोफाइल में देखेंगे तो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे नीचे बम्पर की तरफ में। और यहाँ पे आप रियर में देखेंगे तो नीचे की ओवर क्रेटा की मैचिंग के नीचे की ओवर मिल जाएगा आपको 360 डिग्री रियर व्यू पार्किंग कैमरा। और आप यहाँ पर देखेंगे कि मोस्टली लोग पहले क्या करते थे कि नाक को फ्लोर के पीछे की तरफ भिगवाते थे, जो कि आपका लैंड रोवर वगैरह में आता था। बट अब हुंडई ने भी अपनी इस गाड़ी में ये दिया गया है और क्रेटा की बैचिंग को खोल के लिखा गया है, जो कि इसे अल्टीमेट और प्रीमियम लुक देता है। तो अब हुंडई क्रेटा के बूट स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पर 433 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक अलग से प्लेट मिल जाती है कोई सामान रखने के लिए। और आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके बूट स्पेस में इसको फ्लैट बूट स्पेस कहते हैं, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद आता है। और यहाँ आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से टूल किट दी गई है इसकी, देखेंगे इसमें नीचे की ओर यहाँ पर आपकी टूल किट दी गई है। और आपको एक स्पेयर व्हील दिया गया है जो कि अलॉय नाउ के रिम व्हील है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपको नाइट में कोई भी सामान निकालना है तो उसके लिए यहाँ पर रियर में लाइट भी दी गई है, और इस तरीके से हम इस प्लेट को अलग भी कर सकते हैं इस तरीके से। और आप यहाँ पर देखेंगे जो इसके रियर सीट्स हैं इनको स्प्लिट दिया गया है 40 और 60 के रेशो में, जिससे कि अगर आपको कोई भी सामान रखना हो, थोड़ा लंबा सामान हो लाइक क्या कहते हैं पाइप्स वगैरह, तो आप उन्हें आराम से इसमें रख सकते हैं। और आप इसे कुछ इस तरीके से यहाँ से मूव करा सकते हैं, अब देखिए इस तरीके से आगे की तरफ झुक जाएगा। और इसी के साथ साथ हम बता दें आपको हुंडई क्रेटा के अंदर 3 इंजन ऑप्शन आते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स आते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ आप हमारे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टा अकाउंट पर,
जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फेसबुक पेज पर जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी वीडियो से रिलेटेड या किसी भी कार से रिलेटेड तो आपको हमारे आप हमको मेल कर सकते हैं और मेल भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसी के साथ साथ हम अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और हम आगे भी आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स की। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।